ओम आपद सुमग्नम स्मरणम द्वितीयम करोमि दुर्गे करुणानयसि नैचत्तत्वं मम भावयेता सुदार्थ सार्था जननी स्मरन्तीं जगदम्ब विचित्रमातृकीं परिपूर्णास्करुणाश्चेन्मयी अपराध परंपरा परं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समापातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानयं एवं ज्ञात्वा महादेवीं यथा योग्यं तथा कुरु। सभी दर्शकों को राधे श्याम। जीवन में अच्छे अवसर भी आते हैं और जीवन में कुछ समय परेशान करने वाला भी आता है। यदि हमें जीवन में सही प्रकार से हमें पता चल जाए कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा तो हम बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में भगवती की आराधना कर समस्त कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग आप स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि नवरात्र एक सिद्ध मुहूर्त है। आप सबका स्वागत है आज के गुड लक में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज आपके साथ हूँ। आपकी जीवन में क्या कुछ चल रहा है, ग्रह क्या कुछ खेल रहे हैं, वो सारे रहस्य हम आपके समक्ष रखेंगे। और साथ साथ इस कार्यक्रम में आप लाइव भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव भेज सकते हैं और हम उन तमाम प्रश्नों का जवाब इसी कार्यक्रम में देंगे। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। भारतीय संस्कृति में समस्त कार्य पंचांग के अनुसार से आरंभ होते हैं और पंचांग के अनुसार मंगलवार है और अश्विन शुक्ल पक्ष की तिथि है सप्तमी। आज काली भगवती माँ काली का अवतरण दिवस भी शास्त्र के अनुसार से माना जाता है। भगवती कालरात्रि का विशेष तौर पर पूजन कर जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और नक्षत्र भी शुभ विद्यमान है और साथ साथ शोभन नाम का योग बना हुआ है। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। आज का शुभ मुहूर्त है 11:51 से लेकर 12:38 तक। राहु काल रहेगा दोपहर को 3:10 से लेकर 4:48 तक। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और सातवां नवरात्र आज विद्यमान है। भगवती महाकाली की आराधना करने का दिवस जो महासप्तमी का शुभ अवसर है और ऐसे में सातवां दिवस जो होता है वो कालरात्रि का पूजन का माना जाता है। और आज के इस योग का लाभ उठाने के लिए भगवती के अलग अलग स्वरूपों को पूजा करने का शास्त्र में जो नियम है और आज के दिन खासतौर पे पुष्पों का उपयोग करते हुए भगवती महाकाली का पूजन करते हुए शास्त्र में जो नियम बताए गए वो बड़े अद्भुत हैं। साथ साथ महासरस्वती जी का भी आज विशेष तौर पे पूजन किया जाता है। आज का मंत्र जो रहेगा वो भी नोट कर लीजिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम कालरात्रि नमः। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। नवरात्र का सातवां दिन माँ सरस्वती जी के आवाहन का दिन भी होता है और इस दिन कन्याओं को खासतौर पर हमें प्रयास कर शिक्षण सामग्री को उनको साथ में विस्तृत करने का प्रयास करना चाहिए। आज सप्तमी का दिन है। क्या करने से, क्या उपाय करने से आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा, ये सारी बातें आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। और पहले बात कर लेते हैं आज के सप्तम नवरात्र में कालरात्रि के स्वरूप का किस प्रकार से ध्यान किया जाए, कैसा उनका स्वरूप है। भगवती का स्वरूप बड़ा विचित्र है। देखिए, चमकीले आभूषण पहने हुई भगवती हैं, तीन नेत्रधारी हैं, उनके तीन नेत्र, बाएं हाथ में तेज तलवार है और साथ साथ निचला हाथ जो है वो वरद मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए विद्यमान है और जलती हुई मशाल उनके हाथ में है और साथ साथ निचले बाएं हाथ के अंदर उन्हें भक्तों को निडर करने का अभय का वरदान देने वाली भगवती स्वरूप वहाँ साक्षात विद्यमान है। देखिए क्या कैसा भयंकर स्वरूप है, परंतु माँ तो जिसकी होती है तो उसको तो सदा जीवन में कल्याण करने वाला ही स्वरूप लगता है। शेर के बच्चों को शेरनी को देखकर कभी डर नहीं लगता, लेकिन जो दुष्ट है उनके लिए बड़े भयावह स्थिति है। तो यही स्वरूप है माँ का। तो हम तो माँ के खासतौर पर हम तो बालक हैं तो उनको हमारा जो भी स्वरूप है हमें कल्याण करने वाला ही है। समस्त जीवन में माँ की उपासना करने से विभिन्न मंत्र शास्त्र में बताए गए हैं, उस मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था ओम ऐम ह्रीम क्लीम कालरात्रि नमः। इस मंत्र का आज यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। ग्रहों के गोचर के अनुसार से क्या कुछ आपके जीवन में बनने वाला है, आज का समय कैसा रहेगा, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों के अनुसार से और राशियों में सबसे पहले नंबर आता है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा जान लीजिए। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। आज का दिन आपके लिए समझदारी से काम करने का योग दिखाई देता है, इसलिए समझदारी के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। मीठी जुबान का उपयोग करने का प्रयास करें, फायदा अवश्य मिलेगा। आप यदि मीठी जुबान से यूज़ करेंगे तो धन लाभ भी होता दिखाई दे रहा है, इसलिए वाणी की कटुता का आप खासतौर पर उपयोग बिल्कुल ना करें। नया काम मिलता दिखाई दे रहा है, परिवार के साथ समय अच्छा बीतता दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर माँ भगवती की उपासना यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। अपने हाथ में रक्षा सूत्र किसी ब्राह्मण के द्वारा बनाए, जीवन में कल्याणकारी योग बनेगा। धार्मिक स्थान में जाकर एक काम और करें, तांबे का बर्तन दान करें, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। मां अम्बे करेंगे कल्याण। किन उपायों को करके आपके जीवन की समस्याओं का अंत होगा, कैसे आपके जीवन की समस्याएं आपको जो परेशान कर रही हैं उसका रास्ता आपको प्राप्त होगा, खासतौर पे उपाय के तौर पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ, आपके जीवन में हर दुविधा को दूर करने के लिए खासतौर पर क्या उपाय करने हैं वो आपको हम बताते हैं। काठगोदाम से पुलकित जी का एक मैसेज आ गया है। पुलकित जी का कहना है कि कई दिनों से उनकी सेहत में विभिन्न प्रकार की गिरावट आ रही है, बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, दिन पर दिन सेहत गिरती जा रही है, ठीक हो नहीं रही है, शरीर दुर्बल होता चला जा रहा है, क्या करें, बड़े परेशान हैं, जानना चाहते हैं। चिंता ना करें पुलकित जी, आपने हमारे कार्यक्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भेजा है, हम आपको अवश्य, आपने साथ साथ अपनी जन्मपत्री भी भेजी है, उसका हमने जब चार्ट बनाया तो उसके अनुसार से दिखाई दिया कि आपकी जो समस्या आपने लिखी है पाचन से जुड़ा हुआ समस्या है वो जन्मपत्री में भी दिखाई देती है। शरीर में जो पाचन की स्थिति है, लिवर का स्थान जो है वो विशेष तौर पे मंगल ग्रह वहाँ पर कुछ विचित्र प्रभाव दे रहा है। मंगल को प्रसन्न करने का प्रयास करें, मंगल का उपाय करने का प्रयास करें, देखिए जो औषधि अभी काम नहीं कर रही वो भी करने लगेगी। उपाय नोट कर सकते हैं आप। हर मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान यथाउचित भाव से अपने भाव के अनुसार से करने का प्रयास करें, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार 2 मुट्ठी से लेकर जितना भी आपको कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। अपने माथे पर नित्य प्रति लाल रोली का टीका लगाया कीजिए, देखिएगा धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आने के योग बनेंगे। और साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास कीजिए, और यदि हो सके तो आप खासतौर पे रुद्राक्ष की माला पंचमुखी धारण कर लीजिए, इसी मंत्र से सिद्ध की हुई, देखिए ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। मां अम्बे करेंगे कल्याण। वृक्ष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि ग्रहों के प्रभाव के अनुसार से सुख में किसी न किसी प्रकार से कमी आ सकती है, परंतु परिवार का सहयोग आपको अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु सावधान रहिएगा, अधिकारियों से कोई नुकसान हो सकता दिखाई दे रहा है, इसलिए उनकी बात सुनने का प्रयास करें, ओबीडिएंट बनने का प्रयास करें। विपरीत परिस्थितियों का निदान करने के लिए एक उपाय कर लीजिए, देखिए धीरे धीरे परिस्थिति परिवर्तन अवश्य आएगा। खीर बनाकर शुद्ध घर में भगवान को, देवी को भोग लगाइए, कल्याण होगा। और साथ साथ हो सके तो 10 वर्ष से छोटी कन्याएं जो हैं उनको भोजन कराइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, कष्ट दूर होंगे। मां अम्बे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। नई खरीदारी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, साथ साथ जीवन में सुख तो आता दिखाई दे रहा है परंतु थोड़ी बाधा भी दिखाई देती है। यात्रा थोड़ी सावधानी के साथ करें या ना करें तो अच्छा रहेगा। आज आपके लिए खासतौर पर जो उपाय आपको करना है वो भी नोट कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आज शनिवार का दिन है तो खासतौर पर तेल का दान करना आपके लिए बड़ा उचित रहेगा। तेल में दान, तिल के तेल का दान करें या भगवान शंकर का अभिषेक भी कर सकते हैं तिल के तेल से, देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे। शत्रु जो आपको परेशान करने के योग बना रहे हैं वो अपने आप उनका शमन होगा। गाय को थोड़ा जौ खिला दीजिए, देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में कल्याण होगा। नवरात्र चल रहे हैं, 7वां अवसर है तो आज के दिन क्या महा उपाय सब लोगों को कर लेना चाहिए उसके संबंध में भी बात कर लीजिए। स्वास्थ्य में सफलता के लिए, स्वास्थ्य में ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए उपाय आप समझने का प्रयास करें। देखिए नवरात्र एक सिद्ध मुहूर्त है, ऐसे में यदि अपने प्रयास से आप किसी रोगी व्यक्ति को देखें तो कोशिश ये करें किसी अस्पताल में चले जाएं, दवाइयाँ इत्यादि लेकर बांटने का प्रयास कीजिए। भगवती कालरात्रि का दिन है, कालरात्रि महारात्रि मुहूर्त से दारुणा, तो कोशिश ये करें ऐसे समय में गरीबों को, खासतौर पर ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ बांट दीजिए, देखिएगा आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो कैसे दूर करें उसको, घर में जाएं, नकारात्मक भाव लगता है, बाहर बिल्कुल ठीक थे, घर में घुसते ही अननेसेसरी गुस्सा आने लगा, समझ लीजिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा आसान उपाय है। नवरात्र के अवसर पर काली चींटियाँ यदि घर में दिखाई दे रही हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में उनको कुछ मीठा डाल दीजिए और देखिए कल्याणकारी योग बनेगा। उपाय के तौर पर जो समझ लीजिए कि जब चींटियाँ दिखाई दे रही हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट का प्रतीक है, काले रंग की चींटियाँ दिखाई दें तो उनके लिए थोड़ी सी चीनी मिलाइए या थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लीजिए चीनी को मिलाकर, और यथाउचित भाव से उनको थोड़ा थोड़ा कहीं डाल दीजिए मंत्र जप करते हुए, देखिए कल्याणकारी योग बनेगा। घर से नेगेटिविटी दूर होगी। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे अनादि काल में ऋषि मुनियों ने इसी बात को हमारे समक्ष रखा कि जो पराप्रकृति में घटनाएं घट रही हैं उनको समझकर उसके अनुरूप काम करने का प्रयास करें, हर जीव की सेवा करने का प्रयास करें। क्या जाता है आपका, इस संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, और जो यहाँ पड़ा है उसको यथाउचित भाव से जीवों की सहायता में काम आ जाए तो बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और मां अम्बे करेंगी कल्याण। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से ग्रह गोचर तो अच्छा दिखाई देता है, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत भी ग्रह दे रहे हैं, परंतु विरोधी आपके समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं। आएंगे जरूर, लेकिन नतमस्तक होके आएंगे, ऐसा भी ग्रह दिखा रहा है। मन प्रसन्न रहेगा और आज कहीं से ना कहीं से रुका हुआ पैसा जो है, धन जो है, उसको मिलने के योग भी दिखाई देते हैं। गऊ को हरा चारा डालने का प्रयास कीजिए और हो सके तो महाकाली के निमित्त कुछ पाठ कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, सर्वमंगल कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा सुंदर योग है, क्योंकि जीवन में भगवती कालरात्रि जो है वो समस्त कष्टों को दूर करने वाली है, परेशानियों को मुक्त करने वाली है। तो ये दिन साल में 2 बार आता है, तो कोशिश करें, शारदीय नवरात्रि में आया है तो माँ काली का खासतौर पर पूजन करें, देखिए कल्याणकारी योग बनेगा। मां अम्बे करेंगे कल्याण। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज की, जो व्हाट्सएप मैसेज आया है गौरव जी का। और गौरव जी के साथ एक घटना घटी कि उनके पीठ के पिछली भाग में, जो पीठ का भाग है, उसके ऊपर छिपकली गिर गई है। बड़े कष्ट में है, पूछ रहे हैं क्या शकुन है। देखिए, हमारे यहाँ हर चीज़ को जो घटना घटती है उसके शकुन विज्ञान के अनुसार से जाना जाता है कि शुभ है या अशुभ है। कमर के पिछले ऊपरी भाग पर यदि छिपकली गिर जाए तो पराजय का प्रतीक है, कष्ट का प्रतीक है, साफ साफ दिखाती है कि कहीं ना कहीं कष्ट आने के योग दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति को अब ये नहीं कि डिसाइडेड हो गया कि पराजय ही मिलेगी, हम प्रयास करें। संकेत मिल गया है कि हमारे लिए जो आगे आने वाला समय है कष्टमय है, भारी है। यदि हम प्रयास कर रहे थे 10%, तो हम कोशिश करें 30%, 40% प्रयास करें, 100% प्रयास करने का प्रयास करें। संघर्ष होगा परंतु रास्ता निकल जाएगा। तो शगुन विज्ञान के अनुसार से घटनाओं को आप परिवर्तित कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार से, उपाय के अनुसार से। तो उपाय यही है, तो आप तुरंत गंगा जल लेकर थोड़ा छिड़क लीजिए और फिर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मां अम्बे करेंगी कल्याण। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपकी राशि के अनुसार से क्या दिखाई देता है? ग्रह गणनाओं के अनुसार से विरोधी आपको थोड़ा परेशान करने के योग दिखा सकते हैं और खासतौर पे, लेकिन गुरुजन की कृपा से, बड़े लोगों की कृपा से आपकी खासतौर पर बिगड़े काम बनते भी दिखाई दे रहे हैं। काम बिगड़ रहे हैं वो बनने के रास्ते पर आ जाएंगे, तो इसलिए आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, विनम्र हो जाइए। संतान को लेकर आज का दिन अच्छा दिखाई देता है, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आज खासतौर पर बड़ों की आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए। देखिए, आपकी जन्मपत्री में भी बताया था और उपाय भी यही निकल रहा है कि खासतौर पे बड़ों की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करें। लाल वस्त्र धारण करें, आपके लिए शुभ रहेगा। मंदिर में जाकर कमल पुष्प मां भगवती को अर्पित करें, आपके भाग्य को जगाने में अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होगी। मां अम्बे करेंगी कल्याण। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप मैसेज और ले लेते हैं। इस वक्त व्हाट्सएप मैसेज आया है खासतौर पर मथुरा से। मथुरा से कार्तिकेय जी लिखते हैं कि उनके जीवन में जो कष्ट हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा कि उनके पिता के साथ उनके संबंध थोड़े बिगड़ गए और साथ साथ ऐसा बनता है कि बनती ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। कार्तिक जी, हमने आपकी कुंडली देखा, कुंडली देखने पे पता चला कि आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और 10वें स्थान पे वृश्चिक राशि है पड़ी हुई है और उसमें नीच राशि का चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जब खासतौर पे वृश्चिक के हों तो वैसे ही मन को परेशान कर देते हैं और वहाँ पिता का भाव है, तो आपको खासतौर पे सावधान रहना चाहिए। और आपका मंगल भी सही प्रकार से योग नहीं बना रहा है कुंडली के अनुसार से। आपकी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, शनि चंद्रमा से सामने आ गया है, तो वो खासतौर पे कष्ट के योग दिखाता है। तो आपको पिता के साथ सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें और चंद्रमा को जल अर्पित करें, इससे धीरे धीरे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। शाम को चंद्रमा जब उदय हो तो उनको अवश्य अर्घ दिया के। हाथ में एक चांदी का छल्ला धारण करने का प्रयास करें। देखिए, चंद्रमा मन का प्रतीक है और चांदी उस चंद्रमा से संबंध रखती है, तो चंद्रमा यह शक्तिहीन है, धीरे धीरे शक्ति प्राप्त करेगा और आपके 10वें भाव में जो चंद्रमा है उसके अनुसार आपको धीरे धीरे शक्ति संबंध बनने पड़ेगा। जैसे जैसे चंद्रमा शक्ति संपन्न होगा आपके संबंध धीरे धीरे ठीक होंगे, मन की एंजाइटी जो है ना वो दूर हो जाएगी और अपने आप आपको सत्य समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके पिता का सम्मान करना आपके लिए बहुत शुभ है। इस धरा पर माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। हम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, परंतु साक्षात देवता जो हमारे समक्ष है उनका अनादर करते हैं तो अपने आप पितृदोष जीवन में बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, ऐसा गलत काम कभी ना करें। मां अम्बे करेंगी कल्याण। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि के संबंध में। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। ग्रह गोचर जो है वो खासतौर पर दिखाते हैं कि आज खासतौर पर आपका दिन जो है आपके विरोधी आप पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। विरोधी आपसे कुछ परेशान करने के योग दिखा सकते हैं और उनको ये दूर भगाना चाहते हैं, तुरंत उपाय करने का प्रयास कीजिए, तटस्थ हो जाइए। आज परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, विशिष्ट मित्र से मुलाकात होने के योग भी दिखाई देते हैं। धन लाभ तो होता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उसके लिए थोड़े से उपाय अवश्य कर लें। शनिवार का दिन है, शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले जब भोजन करें, नाश्ता करें, तो एक ग्लास निकाल कर खिड़की से बाहर कौवे के निमित्त डाल दीजिए। छोटा सा उपाय कर लीजिए, शनि का मंत्र जप कर लीजिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, कल्याण होगा। फरीदाबाद से कमलेश जी का एक व्हाट्सअप आया है और उन्होंने सपने में दीवार में कील ठोक दी, ऐसा उनको अनुभव हुआ, ऐसा दिखाई दिया। देखिए, सपना आप संकेत जानना चाहते हैं, दीवार में कील ठोकना जो है वो शुभ है, अशुभ नहीं है, अच्छा है। जीवन में कुछ नया प्रोडक्टिविटी दिखाई देगी, आगे बढ़ने के योग दिखाई देंगे आपको। किसी ऐसा दिखाई देता है, इस प्रश्न का जो फल है किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा, बड़े व्यक्ति के द्वारा आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। यदि आपने किसी को उधार दिया है तो वो भी सूद समेत वापस आने के योग बन सकते हैं। इसलिए आपके लिए स्वप्न शुभ रहेगा। कालरात्रि का अवसर है तो आप कोशिश करें माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको खासतौर पर शहद अर्पित करने का प्रयास कीजिए और शुभ होगा। माँ में करेंगे कल्याण। एक और व्हाट्सएप मैसेज आया जयपुर से वरुण जी का और उन्होंने सपने में देखा कि वो खास तौर पे तेल पी रहे हैं। देखिए, सपने हैं, कुछ भी आ सकते हैं, कहाँ मनोभाव है, किस प्रकार का है, लेकिन सपने वही प्रभाव देते हैं ज्योतिष खासतौर पर स्वप्न विज्ञान के अनुसार से, जो आपने जीवन में घटना नहीं घटी हो, जो जीवन में जिस प्रकार के रूटीन में चल रहे हैं वही स्वप्न रात को आया तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तेल पीते हुए आपने देखा तो इसका मतलब खासतौर पर यह है कि आपके जीवन में कष्ट के संकेत हैं, सपना शुभ नहीं है। इसका असली अर्थ यह हुआ कि कोई भयंकर रोग आपको आने वाले समय में परेशान कर सकता है, सावधान हो जाए। सबसे पहले भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए आप उनका जप करें, आटे का दान कीजिए, सतनाजे का दान कीजिए, क्योंकि ये शगुन विज्ञान के अनुसार से, स्वप्न विज्ञान के अनुसार से प्रभाव दिखाता है कि आगे आने वाले समय में कुछ कष्ट हो सकते हैं, परिणाम शुभ नहीं हो सकते। तो इसलिए कोशिश ये करें उस प्रश्न को, जो आपका स्वप्न विज्ञान है, उसके प्रभाव को समझते हुए हमें जीवन को आगे चलाने का प्रयास करना चाहिए। मां में करेंगे कल्याण। आगे बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज आमदनी के नए रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई पुराना अधूरा काम, रुका हुआ काम पूरा होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आज काम का बोझा थोड़ा अधिक रहेगा, जोर ज़्यादा लगाना होगा, आलस में बैठेगा, लगा लीजिए। आज का दिन शुभ आपके लिए हो सकता है। आज बिल्व सप्तमी है तो आज भगवती का विशेष तौर पर पूजन करें, माँ भगवती के मंदिर में जाकर उन्हें बिल्वपत्र समर्पित करें और ऐसा बिल्वपत्र तोड़ेगा जिसमें थोड़े से फल भी लगे हों, वो समर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। इस वक्त हमारे पास योग से संबंधित एक प्रश्न आया है और हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं उन्होंने खास तौर पर, नितिन जी हमारे साथ व्हाट्सएप पे हैं और उन्होंने अपनी परेशानी लिख के भेजी है। उनका कहना है कि मानसिक रूप से काफ़ी बीमार महसूस करते हैं और हम उनको निदान बताते हैं, चिंता ना करें, योग के माध्यम से अपने जीवन को ठीक करने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब मेंटल एंजाइटी आपको परेशान कर रही हो तो मेंटल एंजाइटी को ठीक करने के लिए मानसिक तौर पे यदि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, समस्या केवल यही है। शक्ति आपके अंदर बहुत है, हर व्यक्ति के अंदर है, परंतु फोकस नहीं है। यदि आप फोकस कर लेंगे तो, ध्यान एकाग्र कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो। वृक्षासन, एक पैर पे खड़े हो जाइए, एक पैर को मोड़कर घुटने के पास मोड़ के रख लीजिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और फिर आंख धीरे धीरे बंद करें, धीरे धीरे पंजे पर आने का प्रयास कीजिए, फोकस होगा, धीरे धीरे फोकस, ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करें। मां में करेंगे कल्याण। आगे बढ़ते हैं, राशियों के संबंध में बात करते हैं। वृश्चिक राशि के संबंध में आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, आपकी खासतौर पे जो ग्रह गोचर है वो दिखा रही है कि आपके दोस्तों से आपको धोखा मिल सकता है, आपके सहयोगी जो आपके साथ काम कर रहे हैं आपको कष्ट दे सकते हैं। पैसे लेन देन के मामले में थोड़ा सावधान रहने का प्रयास करें, कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए अत्यधिक किसी पर ओवर विश्वास न करें, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी आराधना करें, उनको चोला समर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। मां में करेंगे कल्याण। देखिए, अब हेल्दी टिप के बारे में बात कर लेते हैं और आज हेल्दी टिप में आपके लिए लेके आए हैं हम इलायची के बारे में। देखिए, इन दिनों व्रत चल रहे हैं और व्रत में हम लोग बहुत सारी डाइट लेते हैं और उसके कारण से बहुत सारी समस्या भी हो जाती है, हम लोग पता नहीं कौन सी डाइट ठीक है कि नहीं है। तो हम बताने जा रहे हैं कि इलायची वाले दूध का आप इस्तेमाल करने का प्रयास करें। दूध वैसे ही नहीं, इलायची के साथ गर्म करके आप दूध देने का प्रयास कीजिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। दूध के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम खासतौर पर और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उनके द्वारा आपके शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन पाचन को ठीक करने के लिए यदि उसमें इलायची डाल दी जाए तो खासतौर पर आपका पाचन क्रिया भी ठीक हो जाएगा और साथ साथ आपकी जो एंजाइटी है उसको कंट्रोल करने में इलायची अद्भुत रूप से काम करती है। पाचन को ठीक करेगी, आपकी बुद्धि को एकाग्र करेगी और ख़ासतौर पर उसके अंदर जो इलायची के अंदर, दूध वाले दूध के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अद्भुत रूप से लाभ देंगी। आपके शरीर को खासतौर पर टॉक्सिन्स से दूर कर सकती है। मूत्र प्रकार के जो बहुत सारे रोग हैं उनको ठीक करने के लिए भी इसका अद्भुत प्रयोग किया जाता है इलायची का। तो इलायची, यदि आपने केला खा लिया है और वो पच नहीं रहा है तो एक दाना इलायची का खा लेंगे तो वो आपका डाइजेशन ठीक कर देगी। सूजन शरीर में यदि आ रखी है तो इलायची वाले दूध का अद्भुत रूप से लाभ मिलता है, तो इसलिए कोशिश करें इलायची वाले दूध को नित्यपति अपने घर में इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। मां अम्बे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। ग्रहों गोचर के अनुसार से दिखाई देता है, आपका मन उत्साहित रहेगा, धन लाभ के रास्ते खुल सकते हैं, बड़े लोगों से मुलाकात होने के योग दिखाई देते हैं और घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ने के योग भी आज ग्रह बना रहे हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बड़े बुजुर्गों से प्यार मिलने के योग दिखाई देते हैं। आज मंदिर में जाकर मां भगवती का पूजन करें, केसर युक्त खीर उनका भोग लगाएं, मां का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मां में करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए दिखाई देता है कि थोड़ा सा बातों से नुकसान होने का योग दिखाई देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बातूनी ना रहें, काम करने का प्रयास करें, शरीर को कष्ट होने के योग भी दिखाई देते हैं, परंतु धन लाभ के योग साथ साथ बने हैं। काली छिट्टियों को थोड़ा चीनी और सूजी मिला हलवा बना के डाल दीजिए, देखिए आपके कष्ट कम होंगे। मां में करेंगे कल्याण। मीन और कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एक व्हाट्सअप मैसेज की। हमारे पास प्रमोद जी का सतना से मैसेज आया और उन्होंने लिखा है कि अपने मैसेज में कि उनको शरीर में भारीपन रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। चिंता ना करें प्रमोद जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। हम आपको एक मुद्रा बताते हैं, अपान मुद्रा है। अंगूठा और बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ देने से ये अपान मुद्रा बन जाती है और ये मुद्रा करने से गैस, एसिडिटी इत्यादि में जब पेट में अफारा बन जाए तो उसको रिलीज़ करने के लिए ये अपान अद्भुत रूप से काम करता है। जिनको लगता है कि शरीर खाने के बाद भर गया है और ख़ासतौर पर उसमें हल्कापन महसूस नहीं हो रहा है, तो इस मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। ये आपके शरीर को शुद्ध भी करेगी, भारीपन को दूर करेगी और धीरे धीरे जिनको खासतौर पे कब्ज़ की बीमारी है उसको भी ठीक करने में ये मुद्रा अद्भुत रूप से लाभ देगी। मां अम्बे करेंगी कल्याण। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की आज के दिन की कैसा रहेगा ग्रहों का योगा योग। कुंभ राशि वालों, आपको खासतौर पर स्वास्थ्य में अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, सेहत अच्छी रहेगी, घर परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। आज निवेश करने की मन में सोचते दिखाई दे रहे हैं, निवेश आपके लिए शुभ रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज आपको खासतौर पर थोड़ा गुड़ में पानी में गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। मां अम्बे करेंगी कल्याण। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कैसा दिखाई देता है जान लीजिए। ग्रहगण गोचर के हिसाब से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आज आप हार मानने वाले नहीं, शुभ काम करने का प्रयास करें, आपके लिए जो शुभ करेंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। दोस्तों के साथ आज का दिन शुभ दिखाई देता है, दोस्तों से लाभ होने के योग दिखाई देता है। घी का दान करिए, जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। सातवां नवरात्रा है, माँ कालरात्रि का पूजन करने का शुभ अवसर है। देखिए जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, उन सबको कष्ट किस प्रकार से दूर किए जाए, माँ भगवती की आराधना। ये कालरात्रि का जो स्वरूप है बड़ा भयंकर स्वरूप है, दुष्टों का संहार करने वाला स्वरूप है, इसलिए कोशिश करें माँ की आराधना कर इस बात का आशीर्वाद लें कि जिन लोगों के मन में हमारे प्रति ईर्षा, द्वेष इत्यादि भाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो। एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती के अंदर, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करिए, देखिएगा जिन लोगों के मन में आपके प्रति हीन भावना है, आपके प्रति शत्रुत्व है, वो धीरे धीरे इस मंत्र के प्रभाव से खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा। तो माँ का आशीर्वाद इसी रूप में आपको लेने का प्रयास कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और क्या कुछ बन रहा है ग्रह योग आपके साथ और खासतौर पे आठवां नवरात्रा क्या कुछ आपके लिए लेके आया है वो सारी बातें बताएंगे। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्।